रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आंवला की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आंवला ही एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बालों को नेचुरली काला करने का काम करता है, साथ ही आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है उसके लिए बेस्ट है, मतलब आपके बालों की जो मर्जी समस्याएं हैं उनके लिए आंवला सबसे ज़्यादा गुणकारी होता है, फायदेमंद होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये आंवला सुखा रखा है खुद से, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत होता है, इसलिए मैं इस तरह से स्टोर करके रख लेती हूँ खूब सारा आंवला। फिर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस आंवला को मिक्सर जार में पीस करके इसका पाउडर बना लेती हूँ, और पाउडर को फिर अपने बालों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपने सेफली अच्छी तरह से सुखा करके रखा है तो इसी आंवला को आप फिर अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होगा, ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक होगा। तो खाने में थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए अगर आप खुद से प्रिपेयर करके रख रहे हो आंवला तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो पाउडर मिलते हैं उन्हें आपको खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर भी साफ साफ लिखा होता है। तो इस आंवला का जो फायदा आपको मिलेगा ना, तो मार्केट में जो आपको पाउडर मिलते हैं उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट इससे मिलता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास है तो आप ये वाला आंवला ले सकते हैं। बाकी सूखी सूखा हुआ इस तरह का आंवला आपको मार्केट में मिल जाता है तो आप वो भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, मतलब वो खरीद करके ला सकते हैं और फिर इसे मिक्सर जार में पीस करके खुद तैयार कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से मिक्सर जार में पीस करके मैंने इसका पाउडर बना लिया, और ये हल्का थोड़ा दरदरा सा ही पिसा है। जब आप पीसने लगते हो ना तो थोड़ा सा इसको गर्म करके पीसते हो तो ये अच्छे से फिर फाइन पाउडर बन जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए, एक चम्मच मैंने आंवला पाउडर की ले ली है, और इसके बाद यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी मेथी दाना। ये रहा मेथी दाना, इसे भी आप मिक्सर जार में पीस करके, अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हो तो आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। बगल से एक चम्मच मैंने यहाँ पे मेथी पाउडर की ले ली है, और बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए मेथी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी एक चम्मच कलौंजी की। सब तीनों चीज़ों को मैंने एक एक चम्मच ही लिया है, मतलब बराबर क्वांटिटी में लिया है। अगर आप ज़्यादा भी ले रहे हैं तो भी बराबर क्वांटिटी में रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बार आपका कमेंट में क्वेश्चन होता है कि कलौंजी का हम कैसे पता लगाएं, क्या इसको और बोलते हैं, इसे ब्लैक सीड्स के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जो काले तिल होते हैं ना, तो उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या उसी को कलौंजी बोलते हैं, तो नहीं। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंस आपको साफ साफ ही नजर आ जाएगा, बाकी खुशबू से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कलौंजी है कौन सी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बता देती हूँ। एक देखिए, ये जो काले तिल हैं ये आपको देखिए थोड़ा चपटे चपटे नजर आ रहे होंगे ना, बिल्कुल एकदम जैसे बेलन से आप रोटी को चपटा कर देते हो, तो उस तरीके के। जबकि यहाँ पे ये जो आपकी कलौंजी है ये देखिए, ये वैसी नहीं है, ये इस तरह की चपटी चपटी नहीं है, ये आप उभरी हुई सी मतलब नजर आएगी आपको। तो एक मसाला भी इसे बोलते हैं, अचार, बहुत सारे अचार मुरब्बे में डाली जाती है। तो देखिए, साफ साफ ही आपको कलौंजी और इस ब्लैक सी सॉरी कलौंजी और ये जो काले तिल हैं इसमें डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो इस तरह का है, बाकी मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से, जैसे ये आपके काले तिल चपटे चपटे होते हैं वैसे नहीं होती है, ये कुछ इस तरह की है। ये देखिए उभरे उभरे से मतलब कि दाने हैं ये, तो ब्लैक सीड्स के नाम से इजीली मिल जाती है। तो इसका भी एक चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है, और हेयर ग्रोथ के लिए, बालों को काला करने के लिए कलौंजी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में ले लिया है। एंड अब क्या करना है कि आपको लेना है इस तरीके का लोहे का बर्तन, लोहे का कोई सा भी बर्तन। ये मैं मेहंदी के लिए इस्तेमाल करती हूँ ना, तो ये वही वाला बर्तन है। बाकी अगर आपके पास कढ़ाई है तो आप वो भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को मैंने इधर यहाँ पर ऐड कर लिया। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पानी, और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक गिलास पानी, ये देखिए एक गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया, और सारी चीज़ों को फिर एक बार अच्छे से मिक्स करके अब इसे गैस पे मैं पकाऊंगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको मैं पका क्यों रही हूँ। देखिए, आंवला जो है अगर आप इसे पका करके इस्तेमाल करते हैं तो इसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप
जैसे मेहंदी में यूज़ कर रहे हैं, पाउडर ही आपने यूज़ कर लिया, तो उसे भी यूज़ करने से पहले आप आंवला को पका लीजिए, फिर उसे मेहंदी में मिक्स कीजिए, तो आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ऐसे भी बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन अगर आप पका लेते हो तो और भी ज़्यादा ये गुणकारी हो जाता है। तो इस तरीके से अब मैं इसे गैस पे चढ़ा दूंगी। इस तरह से गैस पे चढ़ा दिया मैंने इसे, और अब इसे मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, पहले आप एक बॉईल आने दीजिए, फिर उसके बाद गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। तो आपको बीच बीच में इसे हिलाते चलना है, चलाते चलना है, और आप देखोगे कि आंवला की वजह से यहाँ किनारों किनारों पे जो है ब्लैक लेयर आपको दिखती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से आंवला जो है बिल्कुल एक गहरा काला कलर दे देता है जब भी आयरन के साथ ऑक्सीडाइज होता है, तो इसलिए हम इसे आयरन की कढ़ाई में पकाते हैं। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो भी आप कोई पैन ले सकते हैं उसमें भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आयरन के साथ आप इसे पकाओगे तो ऑक्सीडाइज होकर के ये गहरा काला कलर छोड़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी रेमेडी का जो कलर है ना बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, और किनारों पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल गहरा काला कलर जमता जा रहा है। तो इसी तरह से आपके बालों पे भी ये काम करता है, और अब हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, जब तक कि जो हमने 1 गिलास पानी लिया था वो आधा नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे। रेमेडी अच्छे से पक चुकी है और आप देख सकते हो कलर भी इसका बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और पानी आधा हो चुका है, तो मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। रेमेडी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है और बाकी कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक है, हालांकि कैमरा में उतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लाइट पड़ रही है। बाकी अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। छान हम इसलिए रहे हैं क्योंकि अगर आप इसको छानेंगे नहीं ना तो कुछ एक चीज़ें फिर बालों में फंस जाती हैं और फिर काफ़ी टाइम लग जाता है मतलब शैम्पू करने में, तो इसलिए बेहतर रहेगा कि आप इसे छान लें। बाकी अगर आप छानना नहीं भी चाहते हैं तो भी आप इसको एज इट इज़ भी लगा सकते हैं, तो जैसे भी सुटेबल हो उस तरीके से आप लगाइएगा, लेकिन मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है। अब इसके बाद देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, और वो है देखिए सबसे पहले तो शहद। शहद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसके अलावा भी एंटीबैक्टीरियल गुण शहद में पाए जाते हैं। अगर आपको स्कैल्प में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसे ट्रीट करने के लिए शहद बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको डेंड्रफ की समस्या रहती है या फिर जुएं वगैरह हो जाती है बालों में, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत फायदेमंद है, और ये साथ ही आपके बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो लगभग 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे शहद ऐड करूँगी, एंड इसके अलावा मैं इसमें कॉफ़ी ऐड करूँगी। कॉफ़ी भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होती है, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाती है। तो यहाँ पर ये मेरे पास सैशे हैं, बाकी आप जो भी रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं वो वाले कॉफ़ी भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये क्योंकि 1 रुपये वाले सैशे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिए हैं, और दोनों को ही मैं ऐड कर दूँगी। आप लगभग 1 बड़ा चम्मच कॉफ़ी का इसमें ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और कॉफ़ी आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं फंसती है क्योंकि जैसे ये घुलेगी ना तो बिल्कुल एकदम पानी की तरह ही इसका भी टेक्सचर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे एंड में ऐड किया। और इसके अलावा जो कि बालों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है ऑयल। ये टोटल ऑप्शनल रहेगा, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बाकी अगर आप डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि चाहे से आप जो मर्जी जुगाड़ कर लीजिए लेकिन बालों को भरपूर पोषण ऑयल की वजह से ही मिलता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल का, क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है, और लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच में ऑलिव ऑयल की ऐड करूँगी। ऑलिव ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है, आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक तो लाइट वेट होता है और बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए, ऑयल अच्छी तरह से रेमेडी में घुल गया है और अब हम इसे लगाएंगे अपने बालों में। तो ये रही हमारी रेमेडी, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी है तो मैं इसे लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगी कॉटन का। और एक और चीज़ कि आप इसे लगाते वक्त ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके हाथों में भी गहरा काला कलर छोड़ देती है। तो इस तरीके से आप फिर इसे रेमेडी में डिप कीजिए, और फिर आपको बालों की स्कैल्प में इसे अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करना है। बालों को हटा हटा के आप अच्छी तरह से इसे अपने बालों में लगाइए,
और ये आपके ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। मतलब मैं अपने बाल में बस यही लगाती हूँ और देख सकते हो आप कि मेरे बाल कितने काले हैं। अच्छी तरह से बालों की स्कैल्प में, बालों की लेंथ में लगाने के बाद आपको मिनिमम इसे 1 घंटा अपने बालों में रखना है, और मैक्सिमम आप 5 से 6 घंटे इसे अपने बालों में रख सकते हैं, और उसके बाद आप बालों में शैम्पू कर सकते हो। आप अगर इसे यूज करते हो, रेगुलर यूज करोगे, तो आपके बाल नेचुरली ही काले हो जाते हैं। आपको कोई भी मेहंदी डाई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो रेगुलरली बेसिस पे आप इसे यूज कीजिए, और ये आपके ना सिर्फ बालों के काले करने के लिए ही आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को रोकता है, और आपके बालों की सारी समस्याओं को दूर करता है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।